हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसी चीज़ के बारे में जो आज से 10-15 साल पहले हमारे लाइफ में थी नहीं और आज वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है हम सब की लाइफ की। तो वो चीज़ है सोशल मीडिया। तो क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज पर्सन अपने दिन का कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है? तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या कोई रील बनाना, तो इसमें एवरेज एक पर्सन अपने दिन का 2.5 hours स्पेंड करता है। हाँ, मैंने सही कहा, 2.5 hours, जिसमें अगर आप देखें तो जो यंगर जनरेशन्स है, यंगर एज ग्रुप है, वो अप टू 4 hours तक भी पर डे उसमें टाइम अपना डालता है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि अगर 2.5 घंटे पर डे के हिसाब से है तो एक पर डे हमें एवरेज 10 hours हम काम करने के लिए, प्रोडक्टिव वर्क के लिए हम देते हैं, तो उसमें से अगर 2.5 घंटा चला जाता है तो एक साल में 365 days, जिसमें सोशल मीडिया पे हम कभी हॉलीडे नहीं लेते, सारे 365 days हम एक्टिव रहते हैं, तो जब देखा जाएगा 2.5 घंटे पर डे के हिसाब से टोटल हम 90 days सिर्फ सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा जो टाइम है उसको 2 parts में डिवाइड करना है, एक तो प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क ऐसा हो जाएगा जैसे अगर आप कोई नई स्किल्स लर्न कर रहे हो या कोई एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो या कोई भी चीज़ जिससे आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा, या आप किसी जॉब या आपका बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस ही सोशल मीडिया या उससे रिलेटेड है, तो वो सारा चीज़ प्रोडक्टिव वर्क में आएगा। और अनप्रोडक्टिव वर्क में ऐसा आएगा, आप स्टोरीज डाल रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप लोगों को पोस्ट देख रहे हो या शेयर कर रहे हो, तो ये सारा चीज़ अनप्रोडक्टिव में आ गया है। तो इसमें जब आप जो अपना टाइम है वो किस चीज़ में कितना डिवाइड कर रहे हैं ये आप एनालाइज करिए। साथ ही अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, जैसा अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वो टाइम पे आप कुछ देख रहे हो, तो उसमें भी अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, और अगर कोई चीज़ सीखने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए देख रहे हो तो प्रोडक्टिव हो जाएगा। तो इस दोनों चीज़ का बैलेंस करना चाहिए। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, तो मैं भी लगभग जब ये देखा तो मैं भी अपना 2.5 से 3 घंटा डेली सोशल मीडिया पे वेस्ट कर ही रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब से मैं 1 घंटे से ज़्यादा अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए मैं नहीं दूंगा सोशल मीडिया के लिए। तो ये चीज़ के वजह से मेरे पास टाइम थोड़ा बचने लगा। और हो सकता है कि लोग कहते हैं कि टाइम आजकल बचता नहीं है, काम ख़त्म होते नहीं, तो हो सकता है कि इसका जो टाइम है हम कहीं और बेटर तरह से यूज़ कर पाए। मैंने देखा है बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या बड़े पर्सन होते हैं, उनके पास एक सादा फ़ोन भी होता है, जैसा नोकिया 3310 टाइप, जो किसी को फेंक के मारे तो मर जाए, और वो फ़ोन वो सारा दिन मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और जो दूसरा फ़ोन होता है, जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, वो दिन में कुछ घंटों के लिए ही वो यूज़ करते हैं। तो हो सकता है ये एक टेक्निक हो, लेकिन आप चाहे तो आप भले आप अपने पास फ़ोन रखें, मैं भी अपने पास रखता हूँ क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है मेरे बिज़नेस के हिसाब से, लेकिन अपने आप को ये बात करना है कि जितना भी टाइम अगर मैं वहाँ पे वेस्ट करता हूँ उतना ही मेरा जो सक्सेस पाने में या जो भी मुझे अचीव करना है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, तो उस चीज़ में जो आपका एफर्ट जाना चाहिए, टाइम, मनी एंड एनर्जी, वो तीनों चीज़ आपकी इधर वेस्ट हो जा रही है। तो अपने आप को सोचिए एक बार इस वीडियो देख के, और अपने आप को एनालाइज करिए कि मैं अपने दिन में कितना टाइम दे रहा हूँ, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आप कितना टाइम दे रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं या प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं। अगर आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक्स। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन, बाय बाय।